भूमि पर बनी अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों पर रविवार की रात आफत बनकर सामने आई। नगर निगम की टीम ने रहवासियों को घर खाली करने की आखिरी चेतावनी जारी कर दी, जिसके बाद करीब 350 लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। रहवासियों की मांग थी कि प्रशासन द्वारा दो दिन में घर तोड़ने के दिए गए अल्टीमेटम को वापस लिया जाए और गरीब परिवार को अपने घर में रहने दिया जाए। इस दौरान रहवासियों का साथ देने कांग्रेस विधायक महेश परमार, कांग्रेस की महिला नेत्री माया त्रिवेद, सोनू शर्मा भी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। रहवासियों की बात सुनने के लिए जब SDM कल्याणी पांडे वहां पहुंची तो महेश परमार ने कलेक्टर को संबोधित करते हुए गरीबों के घर नहीं उजाड़ने की मांग की। इतना ही नहीं, बात करते करते विधायक महेश परमार SDM कल्याणी पांडे के सामने हाथ जोड़ते और अफसर के पैरों में गिर गए। और कमाने वाले मेरे पापा है इकलौते, और जैसे तैसे कर्जा लेके ने एक मकान खड़ा किया है, चद्दर का मकान बनाया है हमने। और आज इन लोगों ने, प्रशासन ने नोटिस भी अभी तो इन्होंने जारी नहीं किए है, सिर्फ कॉलोनाइजर को देखे आए और लोगों को नहीं दिए। और कल अनाउंसमेंट करके गए कि मकान तोड़ दिए जाएंगे, खाली कर दो, तो ऐसे कैसे कर दे हम लोग, कहाँ जाएंगे? ये हजारों से मकान प्रभावित हो रहे हैं। पूरे उज्जैन की एक साइड जो सिंहस्थ जहाँ पर लगता है, चाहे हम मंगलनाथ रोड की बात कर लें, चाहे बड़नगर रोड की बात कर लें, और ये दूर गांवों तक फैला हुआ है। हमने कलेक्टर साहब से पिछली बार भी कहा था कि आप भूमि को चिन्हित कर दीजिए, और चिन्हित करने के बाद में आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए, माइक से अनाउंसमेंट करवाइए कि ये भूमि इस क्षेत्र से लेकर के उस क्षेत्र तक पूरी आरक्षित है, कृपया सामान्य लोग इस भूमि को नहीं खरीदें। इंदौर में